नमस्कार दोस्तों, ये जो है रोड मणही से और ग्राम सभा मखदुमपुर के लिए बनना चालू हो गया है। आनंद फानन में SDM साहब बनवाना चालू कर दिए हैं। 2 महीने पहले से इस रोड का साफ सफाई किया जा रहा है। अभी तक इतना मेहनत से साफ सफाई किया गया है कि ये धूल भी नहीं उड़ा है। थोड़ा सा धूल दिखाइए भैया, नजदीक से दिखाइए, दूर से नहीं, नजदीक से लाकर दिखाइए। कैमरा थोड़ा बढ़िया से चलाइए, जूम मत कीजिए, उसी पर रोके रहिए। ये धूल है ना, सबको दिखाई दे रहा है? ये धूल सबको दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए, अब ये जो रोड है, ये थोड़ा उखाड़ो भाई, वकील साथी जोर लगाओ। हाँ, अब ये देखिए, कैमरा में आ रहा है सोनू भाई। नजदीक से आइए, और नजदीक आइए। हाँ, अब आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं? हाँ, कैमरा में सही आ रहा है, सही। हाँ, तो फोकस कीजिए कैमरा, ये धूल के ऊपर चिपकाया जा रहा है पींच। मोदी जी और योगी जी, अगर इस रोड पर हम 30 के स्पीड में जा कर के ब्रेक मारे तो इस रोड का क्या हाल होगा? ऐसे ही फिसल जाएगा, 2 मिनट के अंदर में हम गिरेंगे और हमारा हाथ गोड़ टूट जाएगा, मूड़ी टूट जाएगी, हाथ गोड़ टूट जाएगा, हम चले जाएंगे हॉस्पिटल में। तो ये सुइया दवाइया के लिए कौन देगा? आ रहे हैं कि नहीं हम? तो ये सुई दवाई के लिए जो पैसा है कौन देगा? हमारे माँ बाप तो कृषि कार्य करते हैं, वो तो नहीं देंगे भाई। अगर इस रोड पर हम चलते चलते और ब्रेक मारे, गाड़ी फिसल गई तो हाथ को टूट जाएगा हमारा, तो उसको सुई दवाई के लिए पैसा कौन देगा? अब देखिए, आप लोग बोल रहे हैं ना, अब कितने पतली पीच है ये किनारे, कभी कभी रोड के किनारे से भी हम लोग गुजरते हैं। अब देखिए, इतना आराम से ये छोड़ रहा है। हमारा तो मन कर रहा है कि रात भर में, दिन भर में ऐसे ही लड़कों की तरह खेलते खेलते इस रोडवे पर सारे को उखाड़ डालें, क्योंकि ये पीछिया पर बहुत बढ़िया तरीका से ठेकेदार साहब चिपका दिए हैं। अब चिपका कहाँ है? चिपका होता तो ये छोड़ता हाथ से। अरे ये तो हाथ का तो ये बल सही नहीं रहा है। जब हम गाड़ी से स्पीड में जाएंगे 30 के स्पीड में, तो ये रोडवा का क्या हालचाल होगा? अगर बारिश का एक बूंद भी पानी इस पर टपक गया तो हम बता दे रहे हैं कि यह रोड ना गड्ढे में परिवर्तित हो जा रहा है, हम बता रहे हैं। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से इसको लोगों को चुतिया बनाया जा रहा है। थोड़ा सा नजदीक से दिखाओ भाई, आओ ये नजदीक से, थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए, ये दूरियां दिखाइए तो थोड़ा, ये दूरियां। साला हमको पढ़ाया गया था कि धूल में कोई चीज को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा। ये ठेकेदार ऐसा कहाँ से पढ़ाई कर लिया है, विदेश से पढ़ाई किया क्या कि धूल में चिपका रहा है? हमको लग रहा है कि विदेश से पढ़ाई किया होगा, इंडिया से तो पढ़ाई नहीं किया होगा। क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ, मेरे को ये पढ़ाया गया है कि धूल में कभी पीच नहीं चिपकती है। लेकिन ये ठेकेदार किस स्कूल में पढ़ लिया है? मोदी जी और योगी जी, सवाल है आप लोगों से, ये धूल में पीच कैसे चिपकेगी? हमारे पैसे को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? क्रप इतना बढ़ गया है, करप्शन इतना बढ़ चुका है कि पैसा यहाँ तक आते आते गायब हो जाता है। यहाँ तक पैसा आते आते पैसा गायब हो जाता है, तो क्या होगा? ठेकेदार आखिर में करेगा क्या भाई? ऐसे ही काम करेगा, देखिए ऐसे ही काम होगा, ऐसे ही। अरे गड्ढा तो खाली होता, इसको अगर उठा दे, इसको देखिए नजदीक से दिखाइए, नजदीक से दिखाइए। ऐसे ही उखड़ता चला जाएगा। अब आप लोगों से सवाल है, अगर बारिश हुई तो अब इसमें नमी घुसेगी तो ये कचरा हो जाएगा, क्योंकि यह धूर है, मिट्टी जिसे हम मिट्टी बोलते हैं। अब ये कचरा हो जाएगा, और कचरा होगा तो उसके ऊपर आई गिटिया रहेगी, तो इसके ऊपर से जब हम गड़िया तेज में ले जाएंगे तो कचरवा ऐसे बम्बलिंग करके टूट टाट के इधर को फेंका जाएगा, समझ में आ रहा है? और जब ये फेंका जाएगा
तो ये गड्ढे में परिवर्तित हो जाएगा, और जब गड्ढे में परिवर्तित हो जाएगा तो फिर कोई दूसरा इसमें गड्ढे में कूद करके और जान दे देगा। चला ये आदमी जब अपने आप एक्सीडेंट कर जाता है तो लोग बोलते हैं स्पीड में चला रहा होगा। अरे कोई वो आदमी स्पीड में नहीं चला करके मरता है। इस रोड को भी गलती होती है उसमें, अगर रोड सही रहा होता तो गिरा नहीं होता। इतना करप्शन बढ़ चुका है हमारे देश में कि ठेकेदार और ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं सब लूटने में लगे हैं। मोदी जी और योगी जी, जल्द से जल्द इस रोड के ऊपर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो यह रोड कबाड़ में परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद। ये रोड आप कभी आकर देखे हैं कैसे बन रहा है? अभी तो हमको नहीं गए लो। तो आ करके एक बार चेक कीजिए ये रोड कैसे बन रहा है। अरे हम कल गए लो, जेब भी गए लो। भैया क्या दिक्कत बताओ कि सुधार लो जी। हम अभी वीडियो बना करके और अपने चैनल के माध्यम से छोड़ेंगे, देख लीजिएगा। कौन चैनल है आपका? वकील साथी है? वकील साथी। अच्छा। हाँ, और ये जो रोड की दशा है ये धूर पर ही या पीच सट सकती है ये बताइए। हाँ, एकदम धूर पर, ये नीचे धूर है और उसी पर ये पीच सटाने का कोशिश किया जा रहा है। धूर है तो सफाई नहीं हो रहा है। हाँ तो अब सफाई कैसे कर रहे हैं? अब तो आप आकर के देख सकते हैं। मार रहे हैं, आपको फोन भी कर रहे हैं, नंबर अपना दीजिए, मार रहे हैं, बताइए जो है उसको सही कर किया जाएगा। हाँ तो ये थोड़ा नहीं है कि आप मतलब रुका उसको सही कर ले रहे हैं। हाँ तो वही हम भी दिखाना चाह रहे हैं। आनंद फानंद में रोड नहीं बनना चाहिए, आराम से इसको रोड बनाइए, कोई बात नहीं है। 10 दिन का काम 20 दिन में कीजिए, लेकिन तरीके से कीजिए। अब ये धूर है नीचे और धूर पर ही आप पीच बिछा करके चले जाएंगे। नहीं तो उसको बताइए कि वो लोग साफ करे, धूर पे ना करे। हाँ तो हम नहीं ना बताएंगे, ये तो काम आपका है। तो हम आ रहे हैं, आधा एक घंटा में आ रहे हैं, नहा धो के आप वही रहिएगा, सही कर ले रहे हैं। ठीक है। आप नंबर दे दीजिए इनको, हम आ रहे हैं तो फोन कर रहे हैं। ठीक है। बाकी दीजिए, हम उनको बता दे रहे हैं कि बढ़िया सफाई करो। हाँ। काम करो, उसमें क्या करना है। ठीक, बढ़िया से काम करने वाले हैं। हाँ दीजिए, बात कराइए उससे। लड़के भैया। हाँ भैया।